एक नए दिन, एक नए सुबह और एक नए उम्मीद के साथ मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ब्लॉगर दीपा के चैनल में आप लोगों को और एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो। और आज का दिन बहुत अच्छे है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जब भी हमें लगता है कि हमारा आगे वाले सारे दरवाज़ा बंद हो रहा है, तभी भगवान ने कोई उम्मीद का रास्ता खोल ही देता है। तो वही आज का जो दिन है, ये दिन के लिए मैं हर साल वेट करता हूँ, तो ये दिन के लिए। लेकिन आज का दिन में मैं जो जो करना चाहती हूँ लेकिन सब कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो चलो सुबह सुबह आज आलू परोठा, रायता और मिठाई के साथ दिन शुरुआत करते हैं। आज है भाई दूज, तो 15 नवंबर। ये वीडियो मेरा डेढ़ महीने की बात की है और आप लोगों को कम ज़्यादा बहुत लोगों को पता है कि मेरा और मेरे बेटे का दोनों का सर्जरी हुआ है, किडनी ट्रांसफ़र हुआ है। मैं डोनेट किया मेरे बेटे को, तो आज हमारा ऑपरेशन का डेढ़ महीना पूरा हो गया। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक हमारा ऑपरेशन का 3 महीना पूरा हुआ आज। तो आज के दिन मैं ये वीडियो शूट कर बना रही हूँ, क्योंकि मैंने शूट तो किया था, मतलब घर वाले ने करके दिया था। जो मेरे आज का दिन 15 नवंबर का वीडियो है ये, लेकिन उसके बाद मेरा सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो गया, मतलब तबीयत ठीक नहीं था, तो इसीलिए मैं एडिट ही कर नहीं पाया। फिर सोचा कि ये इतना अच्छा वीडियो है और इतना अच्छा दिन है तो कैसे मतलब जाने दूँ, तो ये सोच के मैंने वीडियो को एडिट किया। और मेरी बेटी लड्डू गोपाल को भाई दूज का जो भाई फोटा होता है, भाई फोटा दे रहा है। और ये मेरी बुआ सास और मेरे ससुर है। आप लोगों को पता है पहले मेरे मम्मी पापा आए थे, फिर वो लोग जाने के बाद मेरे सास ससुर और बुआ सास सब आए हैं। तो मेरी बेटी भी मेरे ससुर को भाई दूज का फोटा लगाया। और आज है मेरे बेटे का बर्थडे, 15 नवंबर मेरे बेटे का बर्थडे है। तो आज का उसका जन्मदिन का इतना अच्छा शुभ दिन है, तो इसीलिए हम सब उसके पास आए। उसको मैंने थोड़ा सा खीर खिलाया और उसका बहन उसको भाई दूज का टीका लगाएगा। लेकिन उसके पास जाने के लिए हमें तो सख्त मना है, इसीलिए हम सब ने मास्क पहन के आया और थोड़ा सा उसको आशीर्वाद किया। लेकिन आशीर्वाद करते टाइम मैंने बहुत बहुत रोया, मुझे इतना रोना आया कि मैं क्या बोलूँ। तो वही सभी बोल रहा है कि किस लिए रो रहे हो, मत रो। लेकिन होता है ना कि इतना मुसीबत के बाद सब कुछ ठीक होने जा रहा है, लेकिन कहाँ मैं बोलूँ ठीक होने जा रहा है, पूरा ठीक भी तो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मेरे बेटे का रिपोर्ट कभी कभी ख़राब आ जाता है, तो इतना टेंशन में हम लोग हैं ना, क्या बोलूँ। सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मेरे बेटा मुझे पैर छूने के लिए बोल रहा है, तो मैं मना कर रही हूँ कि अभी मतलब वो भी जिस हालत में है और हम जिस दौर से गुजर रहे, वो कोई शायद नहीं सोच पाएंगे। और मैंने उसको ये राधा कृष्णों का एक फ़ोटो फ्रेम बर्थडे में गिफ्ट किया। और मैं नीचे बैठी थी ना, तो उठ ही नहीं पा रही थी इतना, मतलब तभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, डेढ़ महीना हुआ था। और मुझे तो सख्त मना है ज़्यादा दिन, मतलब ज़्यादा देर तक नीचे बैठने के लिए। तो अभी मेरी बेटी को देखो, उसको भाई दूज का टीका लगा रहा है। ये पल मतलब बहुत बहुत खास है मेरे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा। और मैं हर साल ना मेरे बेटे का बर्थडे में कितना कुछ करती हूँ, आप लोगों को पहले वाले वीडियो में पता चलेगा। खाना से लेके अरेंजमेंट, शाम का सब कुछ, मतलब मेरे बेटे को ना बर्थडे में कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। कभी मेरे दोनों बच्चे बर्थडे में गिफ्ट नहीं मांगते, दोनों को बर्थडे गिफ्ट से ज़्यादा पसंद है मम्मी का हाथ का बना हुआ और खाना, और साथ में जो हम सजा के देते हैं वही है। हमारा बंगाली में ना बर्थडे में ज़्यादातर खास होता है दोपहर का लंच। बच्चे को जो जो पसंद है, मतलब आपका हैसियत के अनुसार जितना बना सकते हो उतना सब कुछ बना के बच्चे को पूरा अच्छे से प्लेटिंग करके देना, यही हमारा रीति है। तो अभी दोनों भाई बहन छोटा छोटा गिफ्ट इधर उधर कर रहा है, इसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है। ये सारे गिफ्ट तो पापा ने ला के दिया, लेकिन फिर भी उन लोगों को लगता है। और मेरी सास, मेरी बुआ सास उनको थोड़ा सा तिलक कर देते हैं, क्योंकि आज भाई दूज है, तो इसीलिए सबका मन में एक डर है, एक भय है, क्योंकि आज डेढ़ महीने बाद सब उसके पास थोड़ा सा गए, तो इसीलिए सबको डर लग रहा है कि कुछ ना हो जाए हमारे वजह से, उसको तबीयत ना ख़राब हो जाए। और
आज मैंने ना मेरे बेटे ने मुझे बोला था कि मम्मी आज का जो लंच है जो भी मतलब पूरा दिन का खाना आप बना के देना मुझे मतलब अपने हाथों से। तो मैंने आज मटन बनाया मेरे बेटे के लिए, एक पीस ही मटन दिया था क्योंकि उसको ना नॉन वेज के लिए अभी मना किया है ज़्यादा दिन के लिए नहीं। तो नमक हल्दी से उसको गर्म पानी से धो के फिर मैंने जितना कोशिश किया कि हाइजीन, लेकिन जितना हुआ मेरे से मैंने किया, लेकिन मैं ना ज़्यादा टाइम तक खाना बना नहीं पा रही थी, मैं इतना ज़्यादा थक रही थी बार बार। लेकिन फिर भी बेटे का मतलब मन है ना कि मम्मी का हाथ का खाना खाएगा, तो इसीलिए मैंने बोला नहीं चलो मैं ही बना दूँगी। तो आज जो जो खाना बना हमारे घर में, पनीर बना था, पनीर साटे बना था, साथ में मटन बनाया था और फ्राइड राइस। मैं एक साइड में फ्राइड राइस का सब्जी फ्राई कर रही हूँ और एक साइड में मटन। लेकिन हमारे तरफ मतलब जो है मेरे बुआ सास है विधवा, तो प्याज लहसुन मटन वगैरह तो नहीं खाएंगे, तो इसीलिए बार बार हाथ धो के करना पड़ रहा है। और आप लोग देख सकते हो मैं बार बार थक जाती हूँ, थोड़ा सा कच्ची घुमाने में मैं थक रही थी। तो चलो क्या क्या खाना बनाया दिखा देती हूँ। मैंने ये बनाया फ्राई राइस, और सबसे अच्छा सूप होता है साग, और खीर तो सुबह ही बनाया, सबसे पहले खीर बनाया और आलू परोठा रायता बनाया था ब्रेकफास्ट में। ये पनीर साटे बनाया थोड़ा सा बिल्कुल कम तेल डाल के, ऑयल ब्रश करके मेरे बेटे के लिए, कुछ अलग से बना के दूँ, डेली तो एक ही खाना खाते हैं। और ये बुआ सास के लिए पनीर बनाया क्योंकि मटन नहीं खाएंगे, इसीलिए ज़्यादा तो कुछ भी नहीं बनाया। और साथ में बनाया मटन और आम का चटनी बनाया था मैंने, ये देखो मटन, और बेटे के लिए भी स्ट्रू बनाया। और शाम को मेरे बेटे को मैंने एक केक बना के दिया था, वही केक कट किया उसने, वो भी घर का बना हुआ था मैदे का। तो चलो मेरे बेटे को सभी ने आशीर्वाद करना, और आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सब अच्छे रहना और खुश रहना।